प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था राजस्थानी कला और संस्कृति का। दोस्तों ठीक है, दोस्तों राजस्थानी कला और संस्कृति हमारा चल रहा था दोस्तों, उसमें दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हुआ है दोस्तों, लोक कलाकार। जो भी लोक कलाकार है दोस्तों, राजस्थान में जो भी कलाकार है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों लोक कला के अंदर दोस्तों, उनका आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। आपको सबको पता है दोस्तों ऐसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 4% दोस्तों, और कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों लोक कलाकारों की ओर। किनकी ओर दोस्तों? लोक कलाकार दोस्तों। चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। आपको बता दूं दोस्तों लोक कलाकारों में दोस्तों पहले अध्ययन करेंगे हम गुलाबों के बारे में दोस्तों। गुलाबों दोस्तों नृत्यांगना दोस्तों, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना दोस्तों, गुलाबों का अध्ययन करेंगे। गुलाबों दोस्तों कालबेलिया नृत्य नृत्यांगना थी दोस्तों, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना। तो लिखो दोस्तों गुलाबों, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ भी रखा है। कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन थी? गुलाबों। देखो दोस्तों गुलाबों कौन थी दोस्तों? गुलाबो। लिखो कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दोस्तों यहां से ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, आपसे साफ पूछ लेगा दोस्तों कि कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है, चार ऑप्शन दे देगा दोस्तों। तो ज्यादा डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको जो प्रश्न आता है सिर्फ वो पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो पूछ ले दोस्तों गुलाबो कौन थी? कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना थी दोस्तों गुलाबो। आगे चलते हैं दोस्तों, पूछ ले फलकू भाई चरी नृत्य की नृत्यांगना दोस्तों, जन्म किशनगढ़ अजमेर में हुआ था, उनका अध्ययन करते हैं दोस्तों फलकू भाई। क्या दोस्तों? फलकू भाई का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? पहले जन्म लिख लो, किशनगढ़ अजमेर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। जन्म पूछ ले तो किशनगढ़ अजमेर में दोस्तों फलकू भाई का जन्म हुआ था। लिखो चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन थी दोस्तों? फलकू भाई दोस्तों, जन्म इनका किशनगढ़ अजमेर में हुआ था दोस्तों। इनको चरी नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना कहा जाता है दोस्तों। किसको? फलकू भाई को दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो लोक कलाकार रहेगा दोस्तों, मास्टर गिरिराज प्रसाद दोस्तों, नौटंकी के दोस्तों जादूगर कहा जाता है, जन्म भरतपुर में हुआ था दोस्तों। लिख लो दोस्तों डॉक्टर गिरिराज प्रसाद के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। मास्टर गिरिराज प्रसाद के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। इनको नौटंकी का दोस्तों जादूगर कहा जाता है। गिरिराज प्रसाद का दोस्तों जन्म लिख लो दोस्तों, जन्म कहां हुआ था? तो जन्म दोस्तों इनका आपको मैंने पहले बता दिया था, इनका जन्म दोस्तों कामा भरतपुर के अंदर हुआ था दोस्तों। लिख लो कामा भरतपुर में इनका जन्म हुआ था। इनको दोस्तों नौटंकी के जादूगर कहा जाता है। लिख लो नौटंकी के जादूगर कहा जाता है। किनको दोस्तों? गिरिराज प्रसाद को दोस्तों क्या कहा जाता है? नौटंकी के जादूगर कहा जाता है। जन्म पूछ ले तो जन्म दोस्तों कामा भरतपुर में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला लोक कलाकार रहेगा वो रहेगा दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिनको दोस्तों बिलो के चितेरे कहा जाता है दोस्तों। इनका प्रमुख चित्र था दोस्तों बरात नाम का, उनके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। लिख लो गोवर्धन लाल बाबा का अध्ययन करते हैं दोस्तों। गोवर्धन लाल बाबा का लिख लो दोस्तों जन्म
जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गोवर्धन लाल बाबा का जन्म कांकरोली राजसंबंध में हुआ था दोस्तों। इनको दोस्तों भीलों के चितेरे कहा जाता है। प्रमुख जो चित्र था वो था बारात। देखो दोस्तों, गोवर्धन लाल बाबा जन्म हुआ था कांकरोली राजसंबंध में। कहाँ हुआ था? कांकरोली राजसंबंध में। कांकरोली राजसंबंध में इनका जन्म हो गया दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों भीलों के चितेरा कहा जाता है। लिख लो, भीलों के चितेरा। भीलों के चितेरा कहा जाता है दोस्तों। गोवर्धन लाल बाबा को भीलों के चितेरा कहा जाता है। इनका प्रमुख चित्र पूछ ले दोस्तों, प्रमुख चित्र तो बारात दोस्तों। इनका प्रमुख चित्र था, प्रमुख चित्र है बारात। बारात प्रमुख चित्र हो जाएगा दोस्तों, बारात। इनका दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा का जन्म कांकरोली राजसंबंध में दोस्तों। इनको भीलों के चितेरा कहा जाता है दोस्तों। प्रमुख चित्र है बारात दोस्तों। वापिस से देखो दोस्तों, गुलाबो खान की दोस्तों कालबेले नृत्य की नृत्यांगना थी दोस्तों। गुलाबो फलकुबाई दोस्तों जन्म किशनगढ़ अजमेर में हुआ था। इनको दोस्तों चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना भी कहा जाता है दोस्तों। किनको? फलकुबाई को। जन्म किशनगढ़ अजमेर में, याद रखना दोस्तों। मास्टर गिरिराज प्रसाद दोस्तों जन्म कामा भरतपुर में हुआ था। इनको दोस्तों नौटंकी कला के दोस्तों निपुणता हासिल की थी दोस्तों। किसने? मास्टर गिरिराज प्रसाद ने दोस्तों। नौटंकी के दोस्तों कलाकार थे। गोवर्धन लाल बाबा दोस्तों जन्म कांकरोली राजसंबंध में हुआ था। इनको दोस्तों भीलों के चितेरा कहा जाता है। प्रमुख चित्र की बात करें दोस्तों, बारात इनका प्रमुख चित्र है दोस्तों। आगे चले दोस्तों, आगे चलते हमारा अगला लोक कलाकार रहेगा दोस्तों, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो को दोस्तों पूरी देखना यदि सफलता लेना चाहते हो और आगे जिंदगी में कुछ करना चाहते हो दोस्तों। आगे चलते दोस्तों, इसामुद्दीन उस्ता, बीकानेर के दोस्तों इसामुद्दीन उस्ता। इसामुद्दीन उस्ता, इसामुद्दीन उस्ता के बात करें दोस्तों, इनको उस्तकला का जादूगर कहा जाता है। उस्तकला के इसामुद्दीन उस्ता ऊंट की खाल पर, लिख लो दोस्तों ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर दोस्तों स्वर्ण क्या किया था? ऊंट की खाल पर दोस्तों स्वर्ण मीनाकारी के कलाकार, ऊंट की है, ऊंट है दोस्तों, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी के, मीनाकारी के कलाकार, मीनाकारी के कलाकार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उस्त कला में दोस्तों निपुणता हासिल की दोस्तों। लिख लो दोस्तों, उस्त कला के कलाकार दोस्तों बीकानेर के थे कलाकार दोस्तों। उस्त कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्त कला। और उस्त कला के कलाकार किनको कहा जाता है दोस्तों? हिसामुद्दीन उस्ता को दोस्तों। ऊंट की खाल पर दोस्तों स्वर्ण मीनाकारी के जो कार्य किया था दोस्तों, तो उस्त कला बोलते हैं, ऊंट की खाल पर की जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। उदय शंकर शर्मा दोस्तों, बेले के जनक दोस्तों उदय शंकर शर्मा दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों उदय शंकर के बारे में। उदय शंकर के बारे में पढ़े दोस्तों। यदि पूछे उदय शंकर का जन्म दोस्तों, तो लिख लो जन्म इनका दोस्तों उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। इनको दोस्तों भारतीय बेले के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय बेले के जनक, बेले के जनक। किनको कहा जाता है? उदय शंकर को दोस्तों। उदय शंकर को क्या कहा जाता है? भारतीय बेले के जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, राम गोपाल विजयवर्गीय, यह लिखवा देता हूं, राम गोपाल विजयवर्गीय, राम गोपाल विजयवर्गीय का अध्ययन कर लेते हैं। राम गोपाल विजय वर्गीय, राम गोपाल विजय वर्गीय का अध्ययन करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? राम गोपाल विजय वर्गीय का सवाई माधोपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में इनका जन्म हुआ था राम गोपाल विजय वर्गीय का। इनको दोस्तों एकल राजस्थान में, राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी, एकल चित्र क्या दोस्तों? राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी, एकल चित्र प्रदर्शनी क्या दोस्तों? एकल चित्र ये लिख देता हूं प्रदर्शनी को प्रारंभ किया, को प्रारंभ किया राम गोपाल विजय वर्गीय ने। वापिस से दोहरा देता हूं दोस्तों, इसामुद्दीन उस्ता ऊंट के खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कलाकार थे दोस्तों। इसामुद्दीन उस्ता
उष्ट कला खाके प्रसिद्ध है बीकानेर की, मथेरण कला खाके प्रसिद्ध है बीकानेर की। उष्ट कला के दोस्तों कलाकार थे समुद्दीन उष्टा, उदय शंकर शर्मा जन्म उदयपुर में, इनको भारतीय बेलों के जनक कहा जाता है। रामगोपाल विजयवर्गीय जन्म सवाई माधोपुर में दोस्तों, रामगोपाल विजयवर्गीय दोस्तों रास्ता में एकल चित्र प्रदर्शनी को प्रारंभ करने का श्रेय भी रामगोपाल विजयवर्गीय को दिया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं, दोस्तों आगे जो हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों पंडित विश्वमोहन भट्ट। दोस्तों लिख लो दोस्तों, पंडित विश्वमोहन भट्ट के बारे में अध्ययन करें दोस्तों। पंडित विश्वमोहन भट्ट जन्म पूछ ले, जन्म दोस्तों जयपुर में हुआ था इनका, जन्म लिख लो जयपुर। सितार वादक दोस्तों इसके कलाकार थे दोस्तों सितार के, दोस्तों वाणी सितार वादक के दोस्तों प्रमुख कलाकार थे विश्वमोहन भट्ट, जन्म जयपुर में हुआ था। आगे चलते हैं अगले कलाकार के दोस्तों, जहूर खा मेवाती ठीक है, जहूर खा मेवाती का अध्ययन करते हैं दोस्तों। ठीक है, जहूर खा मेवाती जन्म पूछ ले दोस्तों, तो मेवात क्षेत्र में हुआ था इसलिए इनका नाम मेवाती लगा दोस्तों पीछे, अलवर भरतपुर, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों अलवर में, जन्म अलवर में हुआ था दोस्तों। भपंग के जादूगर कहा जाता है, भपंग के जादूगर किनको कहा जाता है, जहूर खां मेवाती को भपंग के जादूगर कहा जाता है, जन्म इनका अलवर में हुआ था। आगे चलता है दोस्तों, अगला हमारा रहेगा रामकिशन सोलंकी, नंगाड़े के जादूगर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है दोस्तों, नंगाड़े के जादूगर लिख लो दोस्तों, नंगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी लिखो, रामकिशन सोलंकी जन्म पूछ ले दोस्तों, रामकिशन सोलंकी का दोस्तों पुष्कर में हुआ था जन्म, पुष्कर से संबंधित है, इनको दोस्तों नंगाड़े के जादूगर कहा जाता है, देख लो नंगाड़े का जादूगर। क्वेश्चन पूछ भी रखा है दोस्तों कि नंगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है, रामकिशन सोलंकी को दोस्तों नंगाड़े का जादूगर कहा जाता है। भारतीय बेलों के जनक उदय शंकर थे दोस्तों भपंग के जादूगर, दोस्तों जहूर का मेवाती भपंग के, और सितार वादक थे दोस्तों विश्वमोहन भट्ट। दोस्तों आगे चलते, ये याद रखना दोस्तों, नंगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी दोस्तों कहां से थे दोस्तों, पुष्कर जो अजमेर में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, रामकिशन सोलंकी के बारे में अध्ययन कर लिया दोस्तों। आगे मांगी भाई, पहले चलते दोस्तों पेपे खा का अध्ययन करते हैं दोस्तों। पेपे खा जैसलमेर से थे दोस्तों, कहां से थे, जैसलमेर। सुरनाई के कलाकार थे दोस्तों। ठीक है, पेपे का दोस्तों जैसलमेर से थे दोस्तों, इनको सुरनाई के दोस्तों कलाकार कहा जाता है दोस्तों, सुरनाई या सेनाई के दोस्तों कलाकार क्यों कहा जाता है दोस्तों, पेपे खा को दोस्तों कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, मांगी बाई के बारे में भी आप जान देंगे दोस्तों, प्रमुख मांड गायिका थी दोस्तों, लिख लो जैसलमेर से थी दोस्तों, ये कहां से थी, मांगी बाई जैसलमेर से दोस्तों, लिख लो प्रसिद्ध मांड गायिका थी दोस्तों, कौन, मांगी बाई दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो रहेगा गौरी देवी, लिख लो दोस्तों गौरी देवी दोस्तों, यह भी दोस्तों क्या थी, प्रसिद्ध मांड गायिका, लिख लो गौरी देवी क्या थी, प्रसिद्ध मांड गायिका दोस्तों गौरी बाई भी क्या थी, प्रसिद्ध मांड गायिका दोस्तों पाली से संबंधित है, कहां संबंधित है, पाली से। प्रसिद्ध मांड गायिका दोस्तों गौरी देवी भी दोस्तों पेपे का जैसलमेर से, सोनाई के दोस्तों कलाकार थे दोस्तों पेपे का, मांगी बाई जैसलमेर से प्रसिद्ध मांड गायिका थी दोस्तों। ठीक है, गुलाबो दोस्तों कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगन थी दोस्तों, गुलाबो और चरी नृत्य की दोस्तों कौन थी दोस्तों, चरी नृत्य की दोस्तों अध्ययन करें तो फलकू बाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगन थी दोस्तों, जो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित थी दोस्तों। तो दोस्तों टॉपिक कैसे लगा लोक कलाकार का कमेंट करके बताइए, वीडियो को याद दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि हमारे और वीडियो नहीं देखी है और अच्छा स्कोर करना चाहते हो, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से और वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।